हेलो क्लास टू। आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समय नहीं गवाते हैं, सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट्स क्या है इस चैप्टर का, आपको दिख रहा होगा कि यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रीज हुआ, श्रब्स हुआ, हर्ब्स हुआ, क्लाइंबर्स हुआ, क्रीपर्स हुआ, यानी 5 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे। फिर क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, है ना, उनके करेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, है ना, यानी एक अच्छे तरीके से जानेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और किसी को बता पाएँ कि कोई हमसे पूछे कि हाँ भाई बताओ हर्ब्स और श्रब्स में क्या अंतर है, क्लाइंबर और क्रीपर्स में क्या अंतर है, तो हम इन चीज़ों को बता सकें। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो वार्मिंग अप, यू कैन सी डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट देखते होंगे, बहुत तरह के प्लांट्स। डू यू थिंक ऑल ऑफ देम विल ग्रो अप टू बी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ट्री, क्या क्या तुम ये सोचते हो कि सभी बढ़ेंगे, है ना, काफ़ी लंबा और एक समान, यानी करने का मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी काफ़ी लंबा बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे सारे पेड़। ऐसा नहीं होता है ना, कोई छोटे प्लांट होते, कोई काफ़ी छोटे प्लांट होते, कोई एवरेज हाइट के होते हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा हाइट के होते हैं। आप अपने घर में या कहीं घूमने गए होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना। हिली एरिया में आपको ट्रीज काफ़ी कभी बड़े बड़े मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया में ट्रीज बड़े बड़े मिलेंगे आपको, है ना। तो वही बोला ही नहीं, इस चैप्टर में हमारा जो भी कंफ्यूजन है प्लांट्स को लेकर के वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन अ पार्क और अ गार्डन, सम प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, सम आर स्मॉल। कह रहा है आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखते होंगे किसी पार्क में या गार्डन में, ठीक है। कुछ प्लांट्स काफ़ी बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि कुछ स्मॉल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द काइंड ऑफ स्टेम्स प्लांट्स आर ऑफ 5 काइंड्स। तो कह रहा है कि साइज के हिसाब से, यानी उसकी हाइट के हिसाब से और उसके स्टेम के हिसाब से प्लांट्स को 5 काइंड में डिवाइड किया गया है, यानी 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओके। स्टेम मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, हिंदी में स्टेम को तना कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब सीधा बढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो ट्रीज के फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले हम ट्रीज के बारे में जानेंगे भाई ट्रीज क्या होता है। तो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी लंबे मजबूत ऊंचे पेड़, है ना, क्या कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं। दे हैव अ थिक ब्राउन स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक, उनका जो तना होता है, उनका जो स्टेम होता है काफी मोटा होता है, थिक मीन्स मोटा, ठीक है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कितना मोटा है, आप समझ जाओगे कि हाँ भाई जैसे आप मैंगो ट्री देख लो, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब आपको, फिर लीची का पेड़ देख लो, ये सब क्या है, ये सब ट्रीज में आएंगे, ट्रीज में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेम है वो काफ़ी मोटा होता है और वो काफ़ी हाइट में भी बड़े होते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम है मेनी ब्रांचेज, बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं उनके कई सारे ब्रांचेज होते हैं, आपने देखा भी होगा, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल भी लिया मैंगो और लीची का। तो ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के होते हैं, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। जी हाँ, ट्रीज अलग अलग शेप्स के होते हैं और वो काफ़ी समय तक सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनियान ट्री कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यानी एक बनियान ट्री को क्या बोलते हैं लोग, बरगद के पेड़ भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो बरगद और पेड़ यानी 100 ऑफ ईयर्स, यानी 100 सालों से भी ऊपर तक उसकी उम्र होती है, 100 ऑफ ईयर्स यानी 100 साल, 200 साल कह सकते हैं, है ना, उससे भी ऊपर, है ना। और पिक्चर में जो आपको दे रहा है वो पाइन ट्री है, जिसको देवदार का वृक्ष कहते हैं, है ना। फिर आप देखते होंगे अशोका, अशोका देख रहे हैं, अशोका काफ़ी सुंदर पेड़ लगता है ये, तो अशोका ट्री भी तो आपने देखा ही होगा। आप बालमंडली स्कूल में जहाँ गए थे, जेएनयू वाला बालमंडली स्कूल का ब्रांच था, वहाँ भी अशोका का पेड़ आपको दिखा होगा और अपने घर के आसपास भी आपको दिखा होगा। नेक्स्ट बनियान ट्री जिसकी बात हमने पहले किया,
देख लो उसका ट्रंक यानी उसका स्टेम कितना मोटा होता है। तो जब मोटा जब स्टेम काफी हो जाए तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। जनरली स्टेम जो होता है वो छोटे जिसके स्टेम होते हैं, तना जिनका छोटा होता है उसके लिए हम स्टेम वर्ड यूज करते हैं। हालांकि ट्रंक और स्टेम एक ही चीज़ है, लेकिन ट्रंक जनरली जब आप थिक ट्री हो यानी जिसका स्टेम काफी थिक हो उसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। और स्टेम हो चाहे ट्रंक हो, जनरली ये नली भी एक तरह से नली भी कहा जाता है। ट्रंक मतलब नली भी होता है। और नली क्यों बोला गया है इसको पेड़ का, तो पेड़ का तो वो तना है लेकिन उस ट्रंक में नली भी होता है। जनरली जो रूट्स है ट्री के वो लीव्स को वाटर जो सप्लाई करते हैं वो इसी माध्यम से करते हैं, इसके ही माध्यम से करते हैं। तो एक तरह का नली भी है ये, है ना, पेड़ों के लिए, ट्रीज के लिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ओक, है ना, ओक जिसे बलूत का वृक्ष या शाह बलूत का वृक्ष भी कहते हैं, है ना। तो सभी का आप देख रहे हो ट्रंक काफी मोटा है। नीम का पेड़ देख लो, काफी यूजफुल है हमारे लिए, है ना, मेडिसिन, सोप्स, बहुत सारी चीज बनती है नीम से। नेक्स्ट है कोकोनट, लटका भी हुआ है देख लो कोकोनट, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीज हैं जिनको आप देख के इजली समझ सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि भाई इजली आप बता सकते हो कि ट्रीज मीन्स, यानी अब आपको पता है कि ट्रीज मतलब होता क्या है, ठीक है। कर डिड यू नो गुलमोहर ट्रीज ऑल्सो नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो गुलमोहर ट्रीज ऑल्सो नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों देख लीजिए भाई, फ्लेम मतलब क्या होता है, आग की लपटें जो उठती है ना, जो आप कैंडल देखते हो, कैंडल में जो लाइट है ना, कैंडल में जो बर्निंग होती है वो भी क्या है, वो एक फ्लेम है। गैस में जो देखते हो, जो जो गैस जब जल आप बर्न करते हो, बर्निंग ऑफ गैस में जो ब्लू कलर की चीज निकलती है उसको भी क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, ठीक है। तो गुलमोहर ट्री को फॉरेस्ट का फ्लेम कहा गया है, क्यों भाई। तो दिस इज बिकॉज द फ्लावर ऑफ दिस ट्री आर ऑफ ऑरेंज रेड कलर एंड दिस कलर इज सो इंटेंस, यानी ये इस वजह से क्योंकि इस पेड़ का जो फूल है वो ऑरेंज रेड कलर का आता है और ये कलर इतना इंटेंस होता है कि लगता है कि सच में दैट इट लुक्स लाइक दैट द ट्री इज ऑन फायर, कि ऐसा लगता है कि जैसे मान लो पेड़ों में आग लगी हुई हो, है ना। आपको समर सीजन में शायद ये देखने को मिल जाएगा। तो वाकई में ये लगता है क्या कि बर्निंग यानी इस कलर, इसका कलर जो है उसे कंसिडर यानी इसका उसको कंपेयर किया गया है फायर फ्लेम से, यानी आग के फ्लेम से, ठीक है। अब ये वही कि इसमें आग निकलता है पेड़ नहीं, ये दिखने में ऐसा लगता है कलर कि इसे लोगों ने नाम दे दिया कि ये क्या है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए लार्ज ऑफ नंबर, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोज टुगेदर इन अ फॉरेस्ट। देखो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एक साथ बढ़ते हैं फॉरेस्ट में, आप पिक्चर में देख रहे हो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं लेकिन है तो सब ट्री ही। अब उसी में कुछ ट्रीज क्या है, काफी अच्छे हाइट पे हैं, कुछ छोटे हाइट पे है, कुछ एवरेज हाइट के हैं, और कुछ देख रहे हो नीचे श्रब्स भी हैं। श्रब्स यानी जिसे कह सकते हैं कांटेदार वृक्ष जो हो सकते हैं जिनका हाइट ना हर्ब से ज्यादा होता है लेकिन ट्रीज से कम होता है। तो और हमें नेक्स्ट पढ़ना भी है श्रब्स ही, तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम्स। श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है और पतला होता है। दे हैव मेनी ब्रांचेज, उनके भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, फिगर में आप देख लो। दे लिव इन फॉर सेवरल ईयर्स, और काफ़ी सालों तक वो सर्वाइव करते हैं, नॉट 100 ईयर्स तो नहीं लेकिन अच्छे सालों तक ये भी सर्वाइव करते हैं। जैसे आप देख लो रोज हो गया, कॉटन हो गया और हिबिस्कस, ये सब क्या है, ये श्रब्स में आते हैं, ठीक है। और इनमें आपको कांटे वगैरह दिखेंगे, इन पौधों में आपको कॉमनली कांटे वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। इन पौधों जैसे आप रोज में देखते हो ना वैसे ही। नेक्स्ट है हमारा हर्ब्स, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स क्या होता है, छोटे पौधे होते हैं और उनका स्टेम हार्ड नहीं होता है श्रब्स की तरह, काफ़ी सॉफ्ट होता है, नाजुक कह सकते हैं आप, एकदम नाजुक। ये हल्का सा भी अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगा या मुड़ जाएगा। मोस्ट कॉमन हर्ब्स लाइव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ज़्यादा कॉमन हर्ब्स जो होते हैं यानी जनरली जो हर्ब्स जिनको हम डेली लाइफ में अपने देखते भी हैं तो उनकी उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है और वो कुछ मंथ ही सर्वाइव करते हैं। देख लो कैसे प्लांट्स वेरी कर रहा है, कुछ सौ सैकड़ों साल जीते हैं, कुछ सालों जीते हैं, कुछ क्या हुआ कुछ मंथ जी रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये दुनिया ऐसे ही क्या है, अमेजिंग फैक्ट से भरी पड़ी है। तो आप देख रहे हैं राइस क्या है, तो 2-3 महीने फसल होती है इसकी, फिर उनको काट लिया जाता है। टोमेटो भी वही है,
हुआ, फिर इसका एक सीजन आता है, ये इसमें इस सीजन में टोमेटो होगा, कोरिएंडर जिसे हम क्या कहते हैं, धनिया पत्ता कहते हैं, मिंट जो मिंट फ्लेवर खाते हो ना, मिंटोस है ना, तो मिंट क्या है, पुदीना इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंबर्स क्या है, यानी ये हर्ब्स खत्म हो गया, आप देख ही रहे हैं, हर्ब्स में मुझे नहीं लगता है कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। तो अब घर में आए कभी कोरिएंडर, ठीक है, तो या मिंट या टोमेटो तो या राइस, तो अब देखिए कह देना कि ये हर्ब्स है ना। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स, नाम ही है क्लाइंबर, क्लाइंब क्लाइंब मतलब क्या था, चढ़ना, ठीक है। तो क्लाइंबर्स क्या था, वैसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो चढ़ाई करते होंगे, तो देखते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ प्लांट्स के स्टेम्स क्या होते हैं, तने क्या होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, इतने भी कमजोर कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे देखो आपने हर्ब्स में देखा, फिर भी स्टेम सॉफ्ट है, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है ना कि वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके जो है ये तो और भी वीक स्टेम होते हैं और स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो पाते हैं, यानी इतने वीक होते हैं। दे ग्रो अप यूजिंग अ सपोर्ट सच एज अनदर प्लांट्स, दे ग्रो अप यूजिंग अ सपोर्ट सच एज अनदर प्लांट्स, वॉल्स, स्टिक एक्सेट्रा, यानी इनको बढ़ाया जाता है सपोर्ट दे करके, जैसे चाहे वो किसी अलग और पौधे का सपोर्ट दे दिया जाए इनको, चाहे वॉल्स पे इनको अरेंजमेंट कर दिया जाए रोप वगैरह से बांध के, चाहे स्टिक अंदर दे करके उनको क्या क्या फोल्ड फोल्ड कर करके है ना हाइट तक ले जाया जाए। तो इसी में दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स है ना, तो इस तरह के जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। मेनी क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स सच एज पी एंड बीन लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जैसे कि मटर हो गए, ठीक है, और बीन हो गए, ये फ्यू मंथ ही रहते हैं है ना, यानी ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं, मंथ नहीं है, ईयर्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्या है, बट अदर सच एज मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन हाँ देखो मनी प्लांट्स हम भी यूज करते हैं घर पे अपने, मेरे घर में काफ़ी मनी प्लांट्स लगा हुआ है। तो मनी प्लांट्स क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ होता है उसका, मैंने तो देखा है ना, यानी अगर सही से उसकी देखभाल करो तो वो आपके घर में बने रहेंगे। आप और पहले पिक्चर में आपने ग्रेप वाइन देखा, अंगूर की तरह देख रहे हैं, तो ये भी ग्रेप वाइन क्या है, अंगूर का ही प्रजाति है, अंगूर भी एक क्लाइंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो ग्रेप वाइन एक अंगूर का ही प्रजाति है, जिसे अंगूर की बेल भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये चीज़ आपने देखा कि यानी कुछ आपके क्लाइंबर्स कुछ मंथ ही सर्वाइव करते हैं, कुछ क्लाइंबर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ईयर्स तक के लिए सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स, तो क्रीपर्स क्या होता है, तो सम प्लांट विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो कमजोर तने के साथ बढ़ते हैं और वो जमीन पर ही बढ़ते हैं, यानी सतह पर ही, तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स, यानी इनका भी वीक स्टेम ही होता है, लेकिन क्लाइंबर से देखिए कैसे डिफरेंट, क्लाइंबर का नाम ही है क्लाइंबर, तो वो ऊपर तक बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये ग्राउंड से ग्राउंड पे ही फैलते चले जाते हैं। जैसे आपको घिउरा का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, ठीक है, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो नेनुआ भी उसे कहते हैं घिउरा को, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वीट गॉड कहते हैं, स्वीट गॉड, GOGOURD, स्वीट गॉड। फिर आपको कुकुम्बर हो गया, खीरे का पेड़, फिर पम्पकिन जिसे कहीं कदुआ और कोहरा भी कहते हैं, ठीक है, कोहरा भी एक अलग चीज़ है, कद्दू भी, इसका मतलब कद्दू भी होता है और कोहरा भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, हालांकि दोनों कद्दू और कोहरा अलग अलग है। वाटरमेलन, तरबूज, गर्मी के मौसम में खूब खाए होंगे आप लोग, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्रीपर्स हैं, है ना। पम्पकिन क्या है ना, जो भी बताया, पम्पकिन क्या होता है, वही कोहरा और क्या कद्दू भी कहते हैं, लेकिन जनरली कोहरे के लिए हम यूज करना चाहिए पम्पकिन को, ठीक है। तो यही था आज आपका, यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है, अब हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में, थोड़ा सा ही है। तो बोला नेम द प्लांट्स एंड राइट वेदर दिस, क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द प्लांट्स एंड राइट वेदर दीज आर ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको दिमाग में रखते हुए हमें ये बताना है कि इन चीज़ों को देखिए और बताइए कि ये क्या है, ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है, क्लाइंबर्स, यानी है तो ये सारे सारे प्लांट्स ही, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कीजिए उनके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा
पढ़ा है अभी। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कुछ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्लाइंबर्स पढ़ा है ना। तो ये आपको क्या है, ये है पी, पी मीन्स मटर, और ये टाइप किस चीज का है, तो क्लाइंबर्स के टाइप का है। टाइप में क्या लिखेगा, क्लाइंबर्स, यानी कैसा पेड़ है ये, कैसा प्लांट है ये, क्लाइंबर्स टाइप का। सेकेंड में क्या है, मिंट है, जिसको हम पुदीना भी कहते हैं, और ये हर्ब्स में आता है क्योंकि इसके स्टेम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, कॉटन दिख रहा है, कॉटन निकला हुआ है इसमें। तो थर्ड सी नंबर सी में नेम नेम हो जाएगा कॉटन, और टाइप हो जाएगा श्रब्स। डी में आप देख लो कोकोनट, ये तो इजली पहचान लोगे आप लोग, आइडेंटिफाई कर लेते हो क्योंकि काफी अच्छा लगता है नारियल का पेड़। और टाइप क्या है, ये पी का है, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, कोस्टल एरिया में ज्यादा आपको कोकोनट ट्री देखेंगे, है ना, कोस्टल मतलब समुद्री इलाके के आसपास। तो ई में देखें, ई में क्या है, पम्पकिन है, और पम्पकिन क्या है, जस्ट हमने पढ़ा क्रीपर्स है, यानी जो अलाउंग द ग्राउंड बढ़ता है, और इसके भी वीक स्टेम्स होते हैं। एफ में आप देखने क्या है, वो मनी प्लांट दिख रहा है, ठीक है, नाम मनी प्लांट है, ऐसा नहीं कि उससे पैसा निकलता है ना, आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ मनी प्लांट में पैसे वाला प्लांट, वो उसका नेम है मनी प्लांट, ठीक है। और टाइप क्या है इसका, तो क्लाइंबर से देख रहे हैं, चढ़ भी रहा है ये, है ना। अब क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू, नेम एनी थ्री प्लांट्स दैट लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताइए जो कुछ मंथ ही सर्वाइव करते हैं। तो भाई द थ्री प्लांट्स आर राइस, टोमेटो एंड कोरिएंडर। ये थ्री प्लांट्स क्या है, राइस हुए, टोमेटो हुए, कोरिएंडर हुए, जो कुछ मंथ ही सर्वाइव करते हैं क्योंकि सीजन सीजनल ये होते हैं, ये सीजनल होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेम एन थ्री प्लांट्स दैट लिव फॉर सेवरल ईयर, कुछ प्लांट्स बताइए जो सेवरल ईयर सर्वाइव करते हैं। तो द थ्री प्लांट्स दैट आर सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स आर रोज, कॉटन एंड हिबिस्कस, ठीक है। यानी वे थ्री प्लांट्स का जिसके हमने नाम दिया यहाँ पे, हमने उसमें एक रोज दिया है, एक कॉटन दिया है, और एक हिबिस्कस दिया है। और हिबिस्कस मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, अड़हुल का फूल, ठीक है, कहते हैं ना अड़हुल, अड़हुल जो कहते हैं, तो इसको अड़हुल बोलते हैं, अड़हुल का फूल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर दिस कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, वेरी स्मॉल प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, प्लांट विथ वीक स्टेम दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, आपको जो जस्ट पढ़ाया है क्रीपर्स, पंपकिन वाला ऊपर जो देखो फिगर भी दिख रहा था आपको थोड़ी देर पहले। प्लांट क्वेश्चन सी, प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, तो आपको पता है हर्ब्स होता है ना, काफी सॉफ्ट स्टेम होता है हर्ब्स का। फिर डी, प्लांट्स विथ थिक ब्राउन स्टेम्स, तो भाई थिक ब्राउन स्टेम तो ट्रीज का ही होता है ना। तो आप ये एक दो बार देख लेंगे वीडियो ना, तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रीज में, यानी ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स में आपको फर्क पता चल जाएगा कि किनको हम क्या कहेंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है, और फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और बेवजह घर से नहीं निकलना है क्योंकि बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है ना। मन से पढ़ना है, और जल्दी हो सके तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा 5 चैप्टर तक में, मैं पीडीएफ क्वेश्चन सेंड करूँगा, उस पर आपका टेस्ट होगा। ओके ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।